नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में और विशेष्य वैष्णव परंपरा में तुलसी के पौधे का असाधारण महत्व है, इसलिए लगभग हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा होता ही है। तुलसी को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों प्रकार का महत्व है। तुलसी के औषधीय गुण लाभ अवश्य ही जानते होंगे। हम में से अधिकांश लोगों को तुलसी के पौधे के विषय में बस इतनी सी ही जानकारी हो सकती है, लेकिन तुलसी के पौधे से जुड़ी यह महत्वपूर्ण नियम आप नहीं जानते होंगे। इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखें और जानिए तुलसी के पौधे से जुड़े सभी महत्वपूर्ण नियम और तुलसी के पौधे का महत्व। तो चलिए जान लेते हैं, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूले। सबसे पहले इस लोक द्वारा तुलसी का महत्व समझते हैं। तुलसी दल मात्रेन जलाशय चुलुकेन व विक्रदित्य स्वामत्नम भक्ते भयो भक्त वत्सल्य। इसका अर्थ है कि जो भक्त में भगवान श्री कृष्ण को एक ओझल जल भरकर जल और तुलसी धारा अर्पित करता है, भगवान स्वयं कुछ भक्तों को भेज देते हैं। इस तरह स्पष्ट है कि तुलसी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होती है। दूसरी बात, तुलसी भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय है। तुलसी सदैव भगवान विष्णु के चरणों के पास रहती है। तुलसी को वैष्णवी भी कहा जाता है। तुलसी के पत्तों के बिना भगवान विष्णु कोई भी प्रसाद स्वीकार नहीं करते। तीसरी बात, जिस घर में तुलसी वृंदावन होता है उस घर में भक्ति भाव से तुलसी की पूजा होती है, उस घर को भगवान कभी नहीं भूलते और तुलसी की सेवा करने से भगवान की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। तुलसी के वृंदावन के आसपास का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र रहता है, क्योंकि कहा जाता है तुलसी के पौधे के आसपास देवताओं का निवास होता है। चौथी बात, तुलसी की दिन प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए, अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए, रोज शुद्ध जल चढ़ाना चाहिए, हर सुबह हर शाम को तुलसी के सामने दिया जलाकर तुलसी को नमस्कार करना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा बढ़ता है तो घर की सुख समृद्धि भी बढ़ती है और उस घर को भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। इसके लिए अपने आप यदि तुलसी अपने आप सूखने लगती है, इस बात का संकेत है कि घर पर संकट आने की संभावना होती है। तुलसी के पत्तों को शुद्ध जल में मिलाकर उस जल को पूरे घर में चढ़ाते हैं तो घर की सारी नकारात्मक दूर हो जाती है। पांचवी बात, तुलसी सात्विक और पवित्रता का प्रतीक होती है। तुलसी के पत्ते, तुलसी की मिट्टी, तुलसी की मंजरी, तुलसी की टहनी, तुलसी की जड़ सभी आध्यात्मिक की होती है और इसलिए तुलसी के पौधे से निरंतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तुलसी के दर्शन मात्र से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। पांचवी बात, ऊर्जा का निर्माण होता है। शिव पुराण में कहा गया है कि सभी प्रकार के फूलों और पत्तियों में तुलसी के पत्ते सर्वश्रेष्ठ होते हैं। मंजरी युक्त तुलसी के पत्तों से प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी की पूजा करने से यज्ञ ज्ञान दान का पुण्य मिलता है। इस प्रकार से नदियों में माँ गंगा मुक्ति दायिनी कहा गया है, उसी तरह तुलसी को कृपा दायिनी कहा गया है। छठी बात, तुलसी की माला की भी अनेक लाभ होते हैं। गले में तुलसी की माला धारण करने से तनाव दूर रहता है और मानसिक शांति मिलती है, मन और आत्मा की शुद्धि होती है, मन में सकारात्मक निर्माण होता है। इस तरह तुलसी का सामान्य और साधारण महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है एवं सर्वगुण संपन्न तुलसी के चमत्कारी उपाय देखते हैं जिसे हम अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। पहला उपाय, तुलसी के पौधे की जड़ों के पास शालिग्राम रखने से घर की दरिद्रता दूर होती है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। जिस घर में तुलसी के साथ शालिग्राम की पूजा होती है वह हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है और दरिद्रता दूर हो जाती है। दूसरी बात, तुलसी के किसी भी टहनी को शुक्रवार के दिन लाल रंग का धागा बांधकर अपनी मन्नत मांगने से वह मन्नत जरूर पूर्ण होती है। मन्नत पूरी होने के बाद वह धागा खोल दीजिए, नदी में प्रभावित कर दीजिए। तीसरी बात, तुलसी के पौधे के पास केले का पौधे को रखने उस स्थान की पवित्रता और शुद्धता और भी बढ़ जाती है। केले का पेड़ भगवान विष्णु का प्रतीक होता है, इससे घर का दोष भी दूर होता है। तुलसी वृंदावन पर स्वास्तिक बनाना भी शुभ होता है, ये घर को बुरी नजर से बचाता है। दोस्तों, तो ये थी महत्वपूर्ण उपाय जिससे हम तुलसी की पूजा करके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जय श्री विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।